पकड़ी हुई है, इसलिए पकड़ी हुई है छोटियाँ लोगों को। चलो ये वो देखो, सामने दिखाओ, ये छोटियाँ लेकर खड़े, ये आम लोग हैं, ये आम लोग हैं, छोटी तरह की झांसे दे रहे हैं इन छोटियों के। हम ये पुलिस हमला कर रही है हमारे पर। गाड़ी खोल, गाड़ी तो खोल। ये देखें वकार खान की गाड़ी पर ये हमला कर रहे हैं, गुंडागर्दी फुल टाइम चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त इलेक्शन चल रहा है नक्शे 71 का। मैंने आज सुबह तकरीबन हमने कोई 30 से 40 पोलिंग स्टेशन विजिट किए। अफसोस और सद अफसोस ये है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस वक्त इंतजामिया और पुलिस एक रियासती दहशतगर्दी कर रही है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। हमारी एक MP है साइमा कंवल, जैसे आपको मालूम है पिछली दफा उस पर कातलाना हमला हुआ, उसके साथ फिर दरअंदाजी की गई पुलिस में और इस वक्त वो जख्मी हो गई है। हमारे दो अदद MPs राणा औरंगजेब और अयाज बोदला जो कि मुल्तान और हमारे दिल्ली से आए हुए थे, वो इस वक्त अफगा हो चुके हैं पुलिस के डाले और कुछ नामालूम लोग उनको उठा के जा चुके हैं। मुझे अभी तक उनका कुछ पता नहीं है और इस वक्त सुनने में आगे शायद पुलिस मुझे भी गिरफ्तार करने के लिए आ रही। तो मैं बताना चाहता हूँ हजूर, मैं छुपा हुआ नहीं हूँ, ये जाहिर पीर में खड़ा हूँ, जाहिर पीर लोकेशन है और एग्जैक्ट पूरे एक घंटे के बाद जब पुलिस स्टेशन खत्म होगा RO ऑफिस के बाहर जाहिर पीर मैं खुद मौजूद हूँ, जिसने गिरफ्तार करना है आगे कर ले, क्योंकि हम फॉर्म 47 लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये हमारा हक है और किसी के बाप का भी एयरपोर्ट नहीं व्यवस्था हमसे हमारा यह हक छीन सके। आज अपना हक लेके जाएंगे और NH71 इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, हुक्का जीतेगा और आज पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खादिम नूरमान दा पुत्र बेडू आपे दे पुत्र केड़ी जमात ने मारे पोलिंग तरी वजाने दे।